उनके पास कोई एक लड़की है और अपने लेडीज, उनका घर वाला है ही नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं और किराए पे रहती हैं बेचारे, खाने कुछ भी नहीं है। ये लोग इतने मजबूर है, कल रो रहे थे यहाँ पे लोग कि हम बहुत ही परेशान है, हमारे पास ना राशन की सुविधा आ रही है। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइन आज की परिस्थितियों में कितना सटीक बैठती है कि जिन रहनुमाओं को लोगों ने चुना था रहनुमाई के लिए, उनकी आज खबर ही नहीं है। जिन्होंने ऐलान किया था कि हर पेट की भूख मिटेगी, गाढ़ा वक्त आया तो आज वो घरों में बंद बैठे हैं। जिन एमपी एमएलए और पार्षदों को आज मैदान में होना चाहिए, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि भूखे नहीं सोने देंगे, वो खुद लॉकडाउन का बहाना लेकर घरों में छिपे बैठे हैं। खाना है ना पानी, हमारे घर में ना राशन है, कुछ भी नहीं मिल रहे हैं सरकार से, ना तो हमारे कोई प्रधान आ रहे हैं ना कोई और आ रहे हैं, और यहाँ कोई विधायक कोई पार्षद कोई चीज कोई यहाँ देखने को नहीं आता ही नहीं है। कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे। पहले की 21 दिन के लॉकडाउन से काम धंधे और कमाई बंद हैं। अब आगे के दिन कैसे गुजरेंगे भगवान ही जाने। जो रोज कुआं खोदते थे और रोज पानी पीते थे, उनके लिए ये लॉकडाउन भारी समस्या लेकर आया है। यहाँ किराएदार तो मकान वाली बोल रहा है पैसे देना ही पड़ेगा, इसमें नहीं, 2 महीने बाद तो देना पड़ेगा ही। राशन वाली बोला क्या 2 दिन के बाद ना दोगे तो बंद कर देंगे राशन। मजदूर की जमा पूंजी उसके सिर्फ 2 हाथ ही होते हैं, काम बंद है तो हाथ भी लाचार हैं। मजदूर आदमी है जो बेलदारी के काम करते हैं, उसको क्या 4 पैसे कमाए महीना बीतने जा रहा है। ऐसे में 2 जून की रोटी जुगाड़ना भारी पड़ रहा है। कर्ज मांगकर उधार लेकर किसी तरह अभी तक तो काम चल रहा था, लेकिन अब आगे कैसे चलेगा। न खाना मिलती है, न राशन मिलती है, न वहाँ कंपनी से कुछ नहीं देती है पैसे, उसे कहाँ से खाएंगे। गुजारा कैसे चल रहा है, कैसे गुजारा चल रही है, कैसी है जो मांग चांग को किसी से कर्जा उधार दुकान वाले से खा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, उधार ले रहे हैं किसी से भी, बगल 200 रुपए लिए, अभी 1000 रुपए लिए हैं, आज राशन चलेगा 2 दिन, फिर जाकर फिर किसी से लेना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। हालांकि सरकार इनके लिए खाने पीने और राशन देने की बात कह रही है, लेकिन देश में हर गरीब और मजदूर के घर खाना कैसे पहुंचेगा, किन संसाधनों के जरिए पहुंचेगा और कौन पहुंचाएगा, आपातकाल की इस घड़ी में यह कहना बहुत मुश्किल है। कल से फोन कर रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, 100 नंबर भी फोन किया था, बोले थे राशन मिल जाएगा, अभी तक मिला नहीं, कुछ नहीं आ रहा जी, खद बस खिचड़ी मिलती है थोड़ी बहुत, यहाँ से लेकर आते चौक पे से जाके। सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग गरीब हैं, यहाँ पे ड्यूटी बंद है, राशन उसे देना चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोग सहायता करें ना, तभी तो बिहार से आए हम लोग, जा रहे थे गांव तो टिकट भी मेरा कैंसिल हो गया, जाने का नहीं जा सकते हैं अब, और नहीं यहां कुछ मिल रहा है। यही कहेंगे कि यहां तक तो सामने वाला गली से दबा वाला गाड़ी भी चला गया, बोला कल आ जाएगा, परसों गया, आज तक नहीं आया, उधर से इधर पीछे गली में। सरकार की पहुंच यहां तक भले ना हो, लेकिन जिनके मन में अगाध सेवा भाव है, वो जरूर इन गलियों तक पहुंच रहे हैं। और जो आते हमारे सरदार जी आते हैं, कल भी दे गए और आज भी आए हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। लगभग आपके इलाके में कितने ऐसे लोग गरीब परिवार? हम तो जानते कम से कम 25-30% आदमी हमारे ऐसे पड़े हुए हैं जो उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। आती है कोई चीज नहीं रोड पर खा दे, गुरुद्वारे से सरदार जी आए हैं तो मिले हैं, ना तो सोना रोड पर कभी जाते थे तो एक आदमी मिल जाता था 100 ग्राम। हरियाणा के फरीदाबाद में सिख यूथ टीम और निर्वार्थ खालसा जैसी टीमें हैं जो जरूरतमंदों के लिए इस वक्त मसीहा बनकर आए हैं। राशन कहाँ आ रहा है, राशन तो आप लोग कल भी देके गए हैं और आज भी देके जा रहे हैं, हम तो आप लोगों को शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को कह सकते हैं कि ना ऊपर वाला आप लोग हैं, भूखे को आप लोग देख रहे हो। शुक्रगुजार है मेरे भाइयों का कि जो मेरे को मदद किए हैं इतने दिनों से, जो अभी तक ले कोई नहीं मदद किया है, कोई नहीं आता चौक पैसे लाते हैं, सब सरदार जी आए हैं देने के लिए। गुरुद्वारे बंद हैं और गुरुद्वारों के लंगर भी, ऐसे में फरीदाबाद के सिख समुदाय की ये टीम
जी जान से डटी है उन लोगों की भूख मिटाने और उनके आंसू पोंछने में। मैं राशन लेके आया, फिर यहाँ पे राशन दिया, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे और भी ऐसे बंदे हैं जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, जिनका कोई गुजारा नहीं हो सकता, फिर वो रोने लग गया। तो फिर मैंने कहा नहीं, राशन लेके चलना पड़ेगा। फिर मैं आज राशन लेके आया और मैंने आपको इत्तला दी कि आप आओ और यहाँ की थोड़ी सी जानकारी आप अपने मीडिया के द्वारा प्रशासन को दे कि प्रशासन यहाँ आके हेल्प करे इनकी। एक मेहनत कश मजदूर जब भूखा सोता होगा तो भगवान भी जरूर रोता होगा। आइए हम और आप इन टीमों की तरह हर भूखे पेट तक खाना पहुंचाने की ऐसी मुहिम में साथ आएं, हाथ बटाएं, ताकि हिंदुस्तान भूखा ना सोए। TDC न्यूज के लिए हरियाणा के फरीदाबाद से विष्णु दयाल की रिपोर्ट।